नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे विभिन्न राशियों की, राशियों का मुख्य चरित्र क्या होता है और विभिन्न राशियों के व्यक्तियों को बाई बर्थ क्या कैरेक्टरिस्टिक ईश्वर की तरफ से प्रदत्त होती है, ईश्वर की तरफ से मिली हुई होती है, क्या उनके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, क्या बुराइयाँ होती हैं। और अगर आपकी राशि आपने समझ ली, आपने अपने आप को फिर समझ लिया, तो इसलिए ज्योतिष में राशियों को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। आप अपनी राशि को अगर समझ गए तो आप अपने व्यक्तित्व को समझ गए, और जब आप अपने व्यक्तित्व को समझ गए हैं तो उस हिसाब से आप काम करते हैं, क्योंकि आपको अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मालूम होती हैं। और बार बार मेरा कहना यही होता है कि ज्योतिष का मेन फायदा यही है कि आपको चीज़ें जो भी हैं, अच्छी हों या बुरी हों, पता हों तो अच्छी चीज़ों को किस तरह यूटिलाइज करना है और बुरी चीज़ों से किस तरह से ज़्यादा पीछा छुड़ाना है, या बुरी चीज़ों से किस तरह से ज़्यादा बच सकते हैं, बचना है। मेन ज्योतिष का कार्य यही होता है, और यह इसी तरह से हम लोग ज्योतिष का फायदा उठा सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज जो हम सबसे पहली राशि लेंगे वो लेंगे मेष राशि। मेष राशि इस राशि चक्र की पहली राशि होती है। मेष राशि से राशि चक्र की शुरुआत होती है, ठीक। तो मेष राशि का मूल तत्व, सबसे बेसिक चीज आप ये समझ लीजिए कि मेष राशि से राशि चक्र की शुरुआत हुई है, बात को समझिएगा। तो शुरुआत क्या होती है किसी चीज की? पैदा होने से। इसीलिए मेष राशि के जो जातक होते हैं वो हमेशा एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। वो चूंकि पहली राशि होने की वजह से तो वो बच्चे का एक एटीट्यूड उसको मिल जाता है, तो वो हमेशा एक बच्चे की तरह ही व्यवहार करता है। और दूसरी बात, मेष राशि का जो मालिक है, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। तो अब मंगल स्वामी है और पहली राशि है, मतलब समझिएगा पहली राशि है और स्वामी उसका कौन है? मंगल है। मंगल क्या है? आग है। मंगल क्या है? गुस्सा है। मंगल क्या है? आदमी के अंदर क्रोध है। तो जैसे बच्चों में होता है, जिद पकड़ लेते हैं किसी भी चीज के लिए, जिद अगर कर ली कि नहीं ये चाहिए, माँ के ऊपर भी अगर नाराज हो गए तो माँ का भी बच्चे बाल पकड़ के खींच लेते, उनको इतनी नहीं समझ है कि ये मेरी माँ है। सेम यही चीज मेष राशि वालों के साथ होता है। उनको ये नहीं पता है, जब वो आवेश में आते हैं, जब वो कार्य करते रहते हैं, तो उनको आगा पीछा कुछ नहीं, कुछ उनको मालूम ही नहीं है। बस वो आवेश में कार्य करते चले जाते हैं, उनको करना है तो बस करते रहते हैं। समझदारी का उपयोग, सोच विचार का उपयोग बिल्कुल नहीं करते, और गुस्से में भी उनके यही होता है, अत्यधिक क्रोध आ गया तो बहुत क्रोध, जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन बस दूसरे क्षण मान भी जाएंगे। तो मेष राशि का जो बेसिक स्वभाव है वो ये होता है। अब चूंकि पहली राशि है तो शुरुआत की राशि है, तो वही बात, शुरुआत कौन करता है? लीडर, ठीक, नेता। तो पहली राशि होने की वजह से मेष राशि वालों में नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और नेतृत्व ये करते हैं, ठीक। लेकिन मेष राशि वालों का सबसे जो अच्छा होता है
वो ये होता है कि इनका जीवट और उत्साह कभी हार नहीं मानते हैं। उसका कारण क्या है, इनकी जो राशि का प्रतीक है मेड़ा, बस वो क्विट नहीं करता, छोड़ता नहीं। बहुत से मेष राशि के जातक 50 साल 60 साल यहाँ तक कि 70 साल की एज तक लगे रहते हैं और लास्टली अंत में सफलता भी प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्विट करना सीखा ही नहीं है। मेष राशि का सबसे अच्छा गुण यह होता है, वो क्विट नहीं करते हैं, लड़ते रहते हैं। मेष राशि के जातक, इसके अलावा एक उनके अंदर और बाई बर्थ अच्छा गुण होता है कि वो हमेशा बलि जिसको चाह लेते हैं, चाहे वो घर का मेंबर हो, चाहे बाहर का हो, चाहे फ्रेंड हो, अगर किसी को उन्होंने पकड़ लिया और चाह लिया तो उसके लिए कोई भी बलिदान वो देने के लिए तैयार होते हैं। उसके लिए फिर वो विचार नहीं करते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब चूंकि इनका अग्नि तत्व मालिक होता है, बात समझिएगा, राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है और इनका जो तत्व होता है वो क्या होता है, अग्नि होता है। तो अग्नि का क्या काम होता है, जब अग्नि आप कहीं भी प्रज्वलित करेंगे तो वो सीधे ऊपर की तरफ जाती है, कभी आपने अग्नि को नीचे नहीं जाते हुए देखा होगा। सेम मेष राशि के जातकों का भी स्वभाव होता है, वो सिर्फ ऊपर और ऊपर जाने के लिए तैयार रहते हैं कि उनको एटेनी का सामान्य जीवन नहीं चाहिए, उन्हें उनको ऊपर और ऊपर जाना है, पूरे तन मन धन से और रिस्क लेते रहते हैं, बार बार रिस्क लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जाना है, उन्हें डायरेक्शन नहीं पता, सोच विचार कुछ नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, जैसे अग्नि में होता है, बस केवल ऊपर। अब उसमें हवा चली तो अग्नि जो है दाहिने बाएं हो गई, सेम मेष राशि वालों के साथ होता है। थोड़ा सा समय इधर उधर हुआ, इधर हो गए उधर हो गए, लेकिन नहीं, जाना उनको ऊपर ही है। तो मेष राशि वालों के साथ सबसे जो अच्छी चीज ये होती है, जीवट और उनका लड़ने की क्षमता, नेतृत्व का गुण, ये सारी चीजें तो बहुत उनकी अच्छी होती है। ठीक। और इनका जो वो होता है कि चूंकि गुस्सा हो काफ़ी आता है, इनको जल्दी आ जाता है। इनका क्या है कि जैसे बच्चों को होता है अपनी बात मनवाते हैं, तो इनको भी अपनी बात पे ही रहना है, अपनी बात ही मनवाना है। अगर इनकी मन का नहीं हुआ, इनके बात का नहीं, जैसे बच्चों का मन का नहीं होता तो फिर रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, हाथ पैर पटकने लगते हैं, सेम मेष राशि वालों का। अगर इनके मन का नहीं हो रहा है तो फिर इनको गुस्सा आएगा, धीरे धीरे गुस्सा आता जाएगा, फिर गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए मेष राशि वालों को गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि इनका गुस्सा बहुत जल्दी उतर भी जाता है, और चूंकि इमोशनल होते हैं तो अगर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, समस्या आए तो कहो बैठ के रोने भी लगे, लेकिन भावनाओं के स्तर पर रोएंगे, डर के नहीं रोएंगे। किसी ने पूछ लिया, प्यार दिखा दिया, तब तो रोने लगेंगे भावुक होके, लेकिन नहीं, डर के या भय की वजह से नहीं रोएंगे। बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, मेष राशि का एक अदना सा रिक्शा वाला भी होगा या छोटी दुकान चलाने वाला भी होगा, उसको बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, राष्ट्रपति से भी अगर मिलना होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस होता है इनके, वो कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है चलिए। दूसरी बात कि मेष राशि वालों के साथ सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इनको हमेशा ऊपर ऊपर जाना रहता है, तो चीजों को सब बहुत जल्दीबाजी में, हमेशा जल्दी में रहेंगे, कि मतलब ये आप समझ लीजिए कि हाथ पे दही जमाने का काम, कि चाहते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, और उस जल्दी जल्दी में जो सबसे बड़ी बात है कि समस्याएं भी बहुत आती हैं, और जब समस्याएं आ जाएंगी उस जल्दीबाजी में ये ऊपर नहीं जा पाएंगे तो क्या करने लगते हैं, फिर छटपटाने लगते हैं, परेशान होने लगेंगे, बेचैन हो जाएंगे, फिर
ठीक, लेकिन ये अपना मूल स्वभाव छोड़ते नहीं है, इनको बस ऊपर जाना है, तरक्की चाहिए एट एनी कास्ट, वो इनको करना ही है, वो उस चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इसीलिए हमेशा ये लोग बिजी भी रहते हैं हमेशा, और इनके पास ये नहीं है कि 2 मिनट रुक के समझदारी से कुछ सोचना विचारना। अगर मेष राशि का जातक कुंडली के आधार पे, मतलब ग्रहों के आधार पे अगर समझदार हो जाता है तो सफलता 200% निश्चित है। अगर ग्रह उसके समझदार उसको बना रहे हैं तो फिर ये निश्चित है 200% कि वो आदमी निश्चित रूप से सफल हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी कमी यही होती है, वो यही होती है कि जल्दी से कुछ डिसीजन जो है ले लेते हैं, सोच विचार नहीं करते, बस चलते चले जाना है, चलते चले जाना, और इसकी वजह से उनको दिक्कतें भी आती हैं, फेल भी होते हैं, अब बार बार कई बार फेल होते हैं, और इस वजह से दूसरी एक दिक्कत होती है कि वो आराम नहीं कर पाते हैं, और जब आराम नहीं कर पाते हैं तो उनका खाने पीने की दिनचर्या भी नहीं ठीक होती है। देखिए अगर बात शुरू से एक चीज़ से निकलती है, ज्योतिष यही है, एक चीज़ से बात निकलनी शुरू हुई, सारी चीज़ें उनके सारे जो गुण हैं वो आते जा, अब चूंकि वो आराम नहीं, बिजी है, टेंशन है, दिमाग में तनाव है, ऊपर जाने की जल्दी है, तो आराम नहीं करेंगे, और आराम नहीं करेंगे तो क्या होगा, खाने पीने का रूटीन बिगड़ जाता है, खाने पीने का रूटीन बिगड़ जाएगा तो मेष राशि वालों को क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी, ये उनको दिक्कत आती एसिडिटी की, मानसिक रूप से समस्या आती है, मेन दिक्कत आएगी एसिडिटी की, किडनी की, लीवर की, ये सारी दिक्कतें मेष राशि वालों को आ जाती हैं, ये अपने इसी जल्दीबाजी वाले स्वभाव को। एक चीज लेकिन है कि मेष राशि वाले जातक कितनी भी जल्दी में हो, कितना भी उन्हें अचीव करना हो, कितने भी महत्वाकांक्षी हो, लेकिन एक चीज है, ये किसी के गर्दन पे पैर रख के ऊपर नहीं जाते हैं, और अपने सामाजिक और व्यक्तिगत लाइफ में हमेशा इनका प्रयास ये होता है कि ये जैसे को तैसा वाला काम करने का इनका रहता है, कि जो मेरे साथ जैसा कर रहा है हम उसको उसी तरीके से, उसके साथ उस व्यक्ति को उसी तरीके से हैंडल करें, ठीक। इनके सबसे एक और जो मेन चीज होती है कि मेष राशि वालों की जीवन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जीवन शक्ति का मतलब कि अगर ये बीमार पड़ते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और बीमारी भी इनको कोई दूसरी नहीं होगी, इनको बीमारी कौन सी होगी, इनको बीमारियां वही होंगी जो बीमारी मुख्य रूप से तनाव की वजह से होती है, मानसिक तनाव की वजह से जो बीमारियां होती हैं वही बीमारी इनको होती है, उसका क्या है, लीवर, किडनी, पहले मानसिक तनाव होगा, फिर खाने पीने में डिस्टर्बेंस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि लीवर पे आ जाएगा, किडनी पे आ जाएगा, तो यही सारी बीमारियां जो होती हैं वो इनको होती हैं मेष राशि वालों को, लेकिन नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं उसमें ही बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जीवन शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक। और एक इनके साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि बीमारी में भी आप किसी मेष राशि वाले जातक को ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, मेष राशि वाले जातक बीमारी में भी जल्दी घर में भी लेटा नहीं रहता, कुछ ना कुछ करता रहेगा, अपने आप को वो इंगेज रखेगा, दिमाग उसका खाली नहीं रहेगा, चाहे वो बीमार हो चाहे वो हॉस्पिटल में भी हो, तो ये इन लोगों में एक और जो है वो गुण होता है। दूसरी चीज ये होती है कि एक इनको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, ठीक, और ये दूसरे का भी बहुत हित चाहते हैं, किसी का ये नुकसान नहीं करना चाहते हैं, और चूंकि बहुत एक्टिव होते हैं,
बहुत इमोशनल होते हैं। और मेष राशि वालों के साथ एक चीज़ ये है कि ये जैसे कि अभी आपको बताया कि इनके मेष राशि पहली राशि होती है, तो इसकी वजह से मेष राशि वालों की में एक बेसिक एक होती है इनोसेंस होती है उनके अंदर। हर मेष राशि वाले जातक के अंदर आप देखेंगे तो एक बेसिक, चाहे वो कैसा भी हो, कुरूप हो या सुंदर हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, लेकिन उसके अंदर एक इनोसेंस जरूर होती है। और दूसरी चीज, जैसे बच्चे होते हैं कि मिट्टी में भी खेल रहे हैं और सड़क पे भी खेल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका मन पूरा होना चाहिए, उनको सुख मिलना चाहिए। सेम मेष राशि वाले जीवन भर वही करते हैं, उनको ये नहीं मतलब है कि मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे सामने वाला क्या कहेगा, वो सड़क पे निकल जाएंगे, अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि बगल में मेरे कौन है, वो क्या कह रहा है, कुछ नहीं लेना देना। उनको जिस चीज में खुशी है, उनका मेन मुद्दा यह है कि वो जिस चीज में खुश है वो ठीक है। अगर उनको एक मिनट के लिए इस बात में खुशी है कि भाई ठीक है, हम हवाई चप्पल या घर की चप्पल पहन के ही मार्केट घूम के आ जाएंगे, तो वो चले जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। कोई उनको क्या कहता है, क्या सुनता है, दे डोंट बदर। जीवन का कितने से भी कितना कठिन दौर आता है, तो ये अपना मूल स्वभाव जो होता है वो नहीं छोड़ते। किसी भी कितना भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति हो, लेकिन उसका दबाव इनको नहीं बर्दाश्त होगा, कितना भी वो कुछ भी हो, वो अपने जो उनका है उसी पैटर्न पे चलेंगे, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करते। लेकिन मेष राशि वाले जो है काफी अच्छे, किसी भी कंपनी में जहाँ काम करते हैं या किसी जहाँ संस्थान में काम करते हैं, काफी अच्छे वर्कर होते हैं। और अधिकारी मेष राशि वालों के 80% लोगों के साथ ही होता है कि उनका उच्च अधिकारी उनसे डरता है, या डरता नहीं कह सकते हैं कि उनकी चूंकि खरी बात है, ईमानदार आदमी है, मेहनत बहुत करता है, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करता है या उनसे उलझता नहीं है। तो इसलिए एक तरीके से यह आप कह सकते हैं कि वो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी इज्जत करता है, और काफ़ी मतलब एक ये भी आप कह सकते हैं कि हाँ, उनसे जल्दी झंझट नहीं करता है कि छोड़ो इससे जाने दो। ये मेष राशि वालों का एक और बहुत बेसिक चीज होता है कि मेष राशि वालों का दिमाग जो होता है वो बहुत तेज होता है। इनका जो ब्रेन होता है बहुत शार्प होता है, बहुत चतुर लोग होते हैं, लेकिन ये कभी अपनी शार्पनेस या अपने चतुर होने का मिस यूज नहीं करते, ईमानदार ही बराबर बने रहते हैं। ईमानदारी अंत तक ये छोड़ते नहीं। हाँ, फिर वही बात आ जाती, जैसे को तैसा, पहले अगर इनके साथ किसी ने बेईमानी की, हाँ तब ये फिर बेईमानी कर, लेकिन एक बार फिर भी ये कैसा संकोच होता है इनको। मेष राशि वालों का जो एक स्वभाव में इनोसेंस होता है, एक जो बचपना होता है, उसी के साथ साथ चंचलता भी होती है, उसी के साथ साथ मेष राशि वालों के आंखों में एक अजीब सा चुंबकीय आकर्षण भी होता है, बहुत भावपूर्ण आंखें होती हैं। तो इन सब वजहों से मेष राशि के जातक और मेष राशि की महिला हो या पुरुष, मेष राशि का जातक अपने अपोजिट सेक्स वाले को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो महिलाओं में मेष राशि के जातक बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसी तरह पुरुषों में मेष राशि के जातक जो है बहुत लोकप्रिय होते हैं, बहुत बहुत। और ये लोग अपने साथी के लिए बहुत त्याग भी करते हैं, साथी को बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, साथी के साथ जीवन भर ईमानदार भी बने रहते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति या साथी के प्रति।
यहाँ तक फ्रेंडशिप में भी इनका बहुत ऑनेस्ट एटीट्यूड होता है। लेकिन रोमांस में ये लोग उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। रोमांस भी इनका बड़ा जल्दी जल्दी का होता है, उसमें भी ये टाइम नहीं इनके पास होता है। लेकिन मेष राशि का कुल मिला के दृढ़ विश्वासी, कॉन्फिडेंट और मेहनत करने वाले, ईमानदार, और जो लोग इनके कांटेक्ट में आते हैं उन लोगों को तुरंत मेष राशि वाले जातक जो है इम्प्रेस भी कर देते हैं। और मेष राशि की जो सबसे बड़ी चीज़ क्वालिटी होती है कि ये कभी भी हार नहीं मानते हैं, जीवन भर मृत्यु तक ये लड़ते रहते हैं। सफलता चाहिए एट एनी कास्ट, कितनी भी उसके लिए मेहनत करनी पड़े। और बीमारियों में जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि चूंकि मानसिक रूप से ये एकदम थक जाते हैं, भोजन का भी इनके सही व्यवस्था नहीं हो पाती है, व्यवस्था होती है, पैसा भी अच्छा होता है मेष राशि वालों के पास और लग्जरी भी होती है, लेकिन मानसिक रूप से इतना ज़्यादा थकने की वजह से इनको मानसिक समस्याएं ज़्यादा होती हैं, सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन हो जाना या अन्य कोई इस तरह की मानसिक डिप्रेशन वगैरह में भी आ जाना, इस तरह की चीज़ों में नसों का दर्द, कोई भी किसी भी तरह के नसें, नाड़ियों का दर्द, जो नर्वस सिस्टम जो होता है इनका वो थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाता है इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। और ये ऐसा नहीं है कि अपने कार्य क्षेत्र में आने, बचपन से ये स्ट्रेस रहते हैं, तो उसकी वजह से एक इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, नसें नाड़ियाँ होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इन लोगों को खाने में ऐसी चीज़ खानी चाहिए कि जिससे कि नसों नाड़ियों को मजबूती मिले। और लीवर, किडनी, ब्रेन, मुख्यतः इन लोगों को यही बीमारियां होती हैं। सबसे बड़ी बात, मेष राशि वाले जातक सफलता के लिए ही बने होते हैं। तो मेष राशि अगर आपकी भी राशि है तो आप अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको पहले अपनी कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए कि क्या करना है। और इनकी सफलता ये भी नहीं है कि अस्थाई होती है या कोई रुक जाती है, ये जीवन भर स्ट्रगल करते हैं और जीवन भर सफल होते रहते हैं। तो मेष राशि के जातक अगर आप हैं और आपको अगर अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब कि आपको अपनी कुंडली में ये देखना चाहिए, चेक करवाना चाहिए कि क्या, कौन सी ऐसी बाधा या कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से कि आपको सफलता सही समय पे नहीं मिल पा रही या सफलता आपको मिल नहीं पा रही। और मेष राशि वाले जातक जो होते हैं उनके पास पैसे की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है और घर, गाड़ी, बंगले, इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, होती है ना, सामान्यता होती है। बाकी तो ग्रहों के ऊपर, आपके कुंडली के जो ग्रह होते हैं उसके ऊपर होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी महादशा क्या चल रही है या दशा क्या चल रही है ये भी उस चीज़ में एक काउंट करता है। क्योंकि मेष राशि वाले डॉक्टर इंजीनियर बड़े व्यवसायी, तकनीकी जानकार, यहाँ तक कि धर्म के क्षेत्र में भी मेष राशि वाले जातक जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी उच्च पदवी प्राप्त करते हैं। और इनके मेष राशि वाले जातक यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सफल होते हैं और राजकीय सेवा में उच्च अधिकारी के रूप में ये लोग, मेष राशि अगर आपकी है तो आपको सफलता मिलनी चाहिए। मित्रों, इस अंक में फिलहाल इतना ही, बाद में पुनः किसी नए विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।